नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। इसका पार्ट वन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पार्ट टू है आज ये। इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली के किन किन ग्रह, कुंडली के कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके लिए पाराशर होरा शास्त्र के नियम उसके लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो कि रूल 100% फिट रूल है और जिसको जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो इसके लिए मैं आपको बताने से शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण के उपस्वामी, यानी जो 5 नंबर भाव और 9 नंबर भाव होता है, 5 नंबर भाव और 9 नंबर भाव के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। जैसे 5 नंबर भाव का स्वामी सूर्य हुआ, अगर सूर्य इस कुंडली में जो होगा वो हमेशा शुभ होगा। 9वें भाव का स्वामी गुरु हुआ तो गुरु भी इसमें शुभ होगा। तो 5वें और 9वें भाव के स्वामी सदा शुभ रहते हैं। दूसरा केंद्र, केंद्र के लिए मैंने आपको बताया था कि केंद्र में अगर केंद्र में स्वामी बनने से, केंद्र का स्वामी बनने से कोई भी ग्रह अपनी स्वभाव को भूल जाता है। अगर 4, 7 और 10 इन भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन गया, 4, 7 और 10, तो ये समझिए कि वो अगर शुभ ग्रह है तो अपनी शुभता भूल जाएगा, अशुभ ग्रह है तो अपनी अशुभता भूल जाएगा, यानी पापी ग्रह अशुभ ग्रह बल्कि पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने आपको यही बताया था कि शुभ ग्रह का मतलब है शुक्र, गुरु, चंद्र और बुध। चंद्र जबकि वो पूर्णिमा की ओर जा रहा है, बुध जब इन ग्रहों के साथ ही वो बैठा है, इन ग्रहों के साथ नहीं बैठा। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस इसके अंदर मैंने आपको बताया था, तो पहले लेक्चर में उसके बारे में बताया। अब मैं सेकंड जो पार्ट है उसमें बताने जा रहा हूं अलग नियम कि कैसे कैसे और होता है। तो इसमें एक रूल बताने जा रहा हूं, रूल नंबर 1 इस पार्ट के अंदर, कि कोई भी ग्रह अपने घर में हो, अपने घर में हो तो ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब भी आदमी अपने घर में होता है तो सदा अपने को सिक्योर महसूस करता है, क्योंकि उसके सारे अरेंजमेंट होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट घर में होते हैं, उसके ठहरने के, आराम करने, कंफर्ट के सारे अरेंजमेंट घर में होते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर कि अपने घर में होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देगा। तो ये एक सिद्धांत है, यानी तीन इस वाले भाव का मालिक, तीसरे भाव का मालिक तीसरे घर के अंदर ही हो, यानी बुध अगर यही बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट देगा। इसी प्रकार 12वें घर का मालिक यही बैठा हो तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये एक रूल आपको बताना जरूरी था, तो मैंने ये रूल उसके आगे आपको बता दिया। इसके बाद रूल नंबर 2 में आपको बताता हूं कि रूल नंबर 2 में बताएंगे आपको कि 2nd H Lord and 12th H Lord, यानी 12 भाव के स्वामी के रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस और 12वें हाउस को, सेकंड हाउस को और 12वें हाउस को हम सम भाव मानते हैं, ना बुरे ना अच्छे, ये सम भाव कहलाते हैं। वैसे तो मार्ग भाव भी कहलाता है सेकंड भाव, लेकिन एक मान के चलिए कि पाराशर में इनको सम भाव भी कहा गया है, कि सेकंड भाव को और 12वें भाव को दोनों को सम भाव भी बोला गया है। तो इनका रिजल्ट कैसे मिलता है, ये रिजल्ट हमेशा अपने हिसाब से नहीं देते, इनका रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं, या उनकी दूसरी राशि कहां पड़ती है। यानी पहला तो रिजल्ट उनका डिपेंड करा कि वो किसके साथ बैठे हैं, उनका सहचार्य किसके साथ है, सहचार्य अनुसार, ये आप ध्यान रखिए, सहचार्य अनुसार किसके साथ वो बैठे हैं और कहां बैठे हैं ये डिपेंड करता है। मान लो कि दूसरे और 12वें भाव का स्वामी, जैसे दूसरा भाव का स्वामी ये शुक्र है, शुक्र अगर त्रिकोण में आ जाए, शुक्र अगर यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, या त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, यानी शुक्र अगर सूर्य के साथ हो या शुक्र अगर बृहस्पति के साथ बैठा हो तो शुभ होगा। इसमें यह बात ध्यान रखना है कि सेकंड भाव और 12वें भाव के स्वामी के रिजल्ट मिलते हैं पर सहचार्य अनुसार मिलते हैं, जिस ग्रह के साथ वो बैठे हैं या जिस स्थान में वो बैठे हैं। तो अगर सेकंड या 12वें भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे हों या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार सेकंड और 12वें भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे हों या लग्न के स्वामी के साथ बैठे हों, लग्न का स्वामी कौन है, ये है मंगल,
तो अगर ये ग्रह दूसरे भाव पर स्वामी सपोज करिए आप ये शुक्र हो गया, अगर मंगल और शुक्र कुंडली में एक साथ हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको सेकंड भाव का, तो ये आपका इसका हो गया। अब तीसरी भाव तीसरी बात इसके अंदर आती है कि सपोज कीजिए कि आपका सेकंड भाव का स्वामी या बारह भाव का स्वामी आपका केंद्र में बैठा हुआ है, चार सात और दस नंबर भाव में बैठा हुआ है, तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? तो केंद्र में अगर ये स्वामी केंद्र में दूसरे भाव का स्वामी यानी मैं लिखता हूं 2HL सेकंड हाउस लॉर्ड, अगर केंद्र में शुभ राशि में हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? सम। शुभ ग्रह के साथ होगा क्योंकि केंद्र में अगर शुभ ग्रह साथ रहा, शुभ ग्रह होने से उसके रिजल्ट सम हो जाएंगे, उसकी शुभता भूल जाएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि केंद्र में अगर शुभ राशि में बैठा हुआ है दूसरे भाव पर स्वामी या बारहवें भाव पर स्वामी या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो रिजल्ट उसके सम रह जाएंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सिमिलरली अगर सेकंड एच और बारह एच का लॉर्ड बैठा है पाप राशि में, केंद्र में पाप राशि मीन्स दसवें नंबर की राशि में बैठा है, एक नंबर की राशि में बैठा है या पापी ग्रह के साथ बैठा है, पापी कौन? मंगल, दस शनि, केंद्र में या तो शनि के साथ हो या मंगल के साथ हो या इन पाप राशियों में हो तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह, केंद्र में जिसका स्वामित्व होता है अगर वो पापी ग्रह है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो किसके रिजल्ट मिले? सम, और उसमें बैठने के साथ मिले पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हमें उसको मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड भाव और बारह भाव के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हो तो वो पापी ग्रह हो तो पॉजिटिव के साथ बैठे हो या पाप राशि में बैठे हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तीसरी चीज आती है, तो हमने केंद्र भाव कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब आता है कि अगर मान लिया कि दो छह दो और बारह भाव के स्वामी, वो हम रूल आपको बता ही चुके हैं कि अगर किसी घर का स्वामी उसी घर में बैठ जाए तो पॉजिटिव होता है, तो दो और बारह भाव का स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठ जाए तो ये भाव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो तीन चीज हो गई इसके अंदर कि दो और बारह भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे दो प्लस, लग्न में बैठे या लग्न के स्वामी के साथ बैठे दो प्लस, केंद्र में बैठे अगर केंद्र में बैठे हैं शुभ राशि में बैठे हैं या शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो सम, और केंद्र में बैठे हैं अगर पाप राशि में बैठे हैं या पापी ग्रह के साथ बैठे हैं केंद्र में तो प्लस हो जाते हैं वो। इसी प्रकार से तीन छह ग्यारह भाव के अंदर भी इनका रिजल्ट चेंज होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा सेकंड हाउस लॉर्ड ये हुआ सम और वो जाके बैठ गया तीसरे भाव के स्वामी के साथ, थर्ड एचएल के साथ बैठ गया, थर्ड एचएल अगर पाप ग्रह है शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट मिलेगा, पाप ग्रह है तो पाप रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर सम शुभ हो गया सामान्य शुभ, और यहां पे सम और पाप हो गया पाप रिजल्ट नेगेटिव। तो ये इसका परिणाम होगा अगर सेकंड भाव और बारह भाव के स्वामी तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, अगर तीसरे छठे भाव का स्वामी तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव का स्वामी पाप ग्रह है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अगर तीसरे छठे ग्यारहवें भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इसके अंदर बताया, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये और हिंट देना चाहूंगा कि जो अष्टम ग्रह होता है आठवां भाव होता है वो हमेशा अशुभ भाव कहलाता है, मारक भाव कहलाता है, क्योंकि ये आयु भाव है, और ये नवा भाव जो होता है भाग्य भाव होता है, तो नवे से बारहवां भाव कहलाता है, तो किसी भी भाव का बारहवां भाव उसकी हानि भाव होता है, व्यय होता है, क्योंकि इसका बारहवां भाव इसका व्यय हो गया, तो इसी प्रकार से इसका बारहवां भाव इस वाले भाव का व्यय हो गया, तो भाग्य की हानि जो होती है वो मरने के समान होती है, तो ये मारक भाव होता है। तो इस भाव का जो स्वामी होगा उसे अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आठ भाव का स्वामी जहां बैठेगा जिस भाव में होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सब्जेक्ट टू अगर वो अपने ही भाव में बैठा हो तो वो शुभ हो जाएगा। ये से मैंने आपको बताया कि अपने घर में स्वामी बैठे हुए शुभ हो जाते हैं। तो ये हुआ पर सहचार्य के अनुसार। अब देखते हैं कि मान लिया कि उसको प्रसाचार्य के बाद देखने के बाद दो तरह से टेस्ट करना पड़ता है उनको, सेकंड राशि के अनुसार ये भी देखना पड़ता है कि उनकी सेकंड राशि कहां पड़ती है, इनको एक ही तरीके से
टेस्ट नहीं करना है, इनकी सेकंड राशि के हिसाब से भी इनको टेस्ट करना है कि सात दूसरे और बारहवें भाव के स्वामी की सेकंड राशि कहां पड़ रही है, उसके हिसाब से भी इनको टेस्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरे और बारहवें भाव के स्वामी, जैसे हम दूसरा भाव ले लेते हैं, दूसरा भाव का स्वामी है हमारा, टू एच एफ हमारा है शुक्र। तो एक तो हमने डिपेंड कर लिया कि शुक्र अगर त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोणी के साथ बैठा हो तो शुभ, केंद्र में बैठा हो और पापी केंद्र के साथ बैठा हो तो अशुभ शुभ हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम डिपेंड करते हैं शुक्र की दूसरी राशि, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि सेकंड भाव के स्वामी की या बारहवें भाव के स्वामी की दूसरी राशि कहां पर है। सेकंड भाव के स्वामी की दूसरी राशि है केंद्र में, केंद्र में। तो अगर सेकंड भाव के स्वामी की दूसरी राशि केंद्र में पड़े और शुभ राशि आ रही हो तो क्या होगा, केंद्र में आने से वो अपनी शुभता भूल जाते हैं तो वो अपनी शुभता भूल जाएगा। यानी सेकंड भाव का इसके हिसाब से शुक्र जो है आपको अपनी शुभता भूल जानी चाहिए, क्योंकि उसकी दूसरी राशि केंद्र में है और सम, ये सम राशि है, मतलब बेसिकली आपकी सौम्य राशि है, इसलिए इसकी शुभता उसे भूल जानी चाहिए। फिर दूसरी चीज आती है कि अगर दूसरे भाव की दूसरी राशि शुक्र स्वामी की, शुक्र की या ये बृहस्पति है, इनकी दूसरी राशि त्रिकोण में हो या लग्न में हो, जैसे ये देखिए बृहस्पति, इनकी दूसरी राशि कहां पर है, ये इधर त्रिकोण में। तो अगर दूसरे भाव के स्वामी और बारहवें भाव के स्वामी की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़े या लग्न में पड़े तो शुभ हो जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया। फिर दूसरा आपको मैंने बता दिया कि इनके दूसरे भाव की राशि अगर केंद्र में पड़े और केंद्र में शुभ राशि हो तो नेगेटिव, और केंद्र में पड़े और केंद्र में पापी राशि हो तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर इन्हीं भाव के स्वामी की दूसरी राशि पड़े त्रिशदाय भावों में, तीन छह और ग्यारह भावों में, तब क्या होगा, अगर वो पड़ती है शुभ राशि के साथ, शुभ राशि में पड़ती है मतलब इन ग्रहों की राशि में पड़ती है तो वो शुभ ऋण देगा, अगर वो पड़ती है पाप राशि में तो पाप ऋण देगा, क्योंकि तीन छह ग्यारह में अगर शुभ ग्रह स्वामी होते हैं तो शुभ ऋण देते हैं और तीन छह ग्यारह के अगर पाप ग्रह स्वामी होते हैं तो वो नेगेटिव ऋण देते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको इसमें इसका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। जैसे ये एक कुंडली है, इस कुंडली को मैं नंबर चेंज कर देता हूं उसके, आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल के लिए कुंडली बनाई है हमने। अब हम देखना चाहते हैं कि इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, यानी दूसरे भाव का स्वामी कौन हुआ, 2HL सेकंड हाउस लॉर्ड हुआ बृहस्पति गुरु, दूसरे भाव का स्वामी या बारहवें भाव का स्वामी, 12HL का स्वामी हुआ शुक्र, ये इस कुंडली में दूसरी राशि के अनुसार कारक हैं या अकारक हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर इन भावों के स्वामी की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़े या लग्न में पड़े तो शुभ होता है। अब सेकंड एच गुरु की दूसरी राशि देखते हैं, गुरु की दूसरी राशि पड़ती है आपकी, आप देखिए बारह बार पड़ा आपका त्रिकोण में, तो गुरु की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ने से गुरु इस कुंडली में राशि के हिसाब से शुभ हो गया, तो गुरु उसमें हुआ शुभ पॉजिटिव। अब शुक्र राशि देखते हैं, शुक्र की दूसरी राशि कहां पड़ती है, शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है केंद्र में, दो नंबर, हम बारह भाव के स्वामी का वो देख रहे हैं कि कैसा होगा, इसकी दूसरी राशि पड़ती है केंद्र के अंदर और केंद्र में ये सम राशि में है, मतलब केंद्र में ये सौम्य राशि में है इसका, तो केंद्र का स्वामी होने से यहां रिजल्ट इसका जीरो हो गया, तो शुक्र इसके अंदर गुरु शुक्र इसके अंदर करीब करीब आपका सम आ जाएगा, क्योंकि शुक्र ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी दूसरी राशि पड़ती है केंद्र में, जहां पे भी ग्रह सम बन जाते हैं केंद्र में, अपनी शुभता को भूल जाते हैं। तो
इसके हिसाब से गुरु पॉजिटिव आया, इसके हिसाब से शुक्र सम आया। तो सबसे पहले मित्रों हम निकालेंगे उसके हिसाब से, जैसे अब इसी के अंदर निकालते हैं, इसमें हम दोनों नियम लगाते हैं। पहले हम नियम लगाते हैं सपोज कीजिए पर सहचार्य अनुसार, यहां पे लगाते हैं सहचार्य अनुसार। सहचार्य के हिसाब से मैं एग्जाम्पल के लिए बृहस्पति का एग्जाम्पल लेता हूं। सहचार्य बृहस्पति किसके साथ बैठा है? दूसरे भाव के स्वामी का हम निकाल रहे हैं, 2HL हमारा है बृहस्पति। पहले तो ये देखना है कि ये किसके साथ बैठा है, किसके साथ बैठा है? ये किसी साथ नहीं बैठा, लेकिन केंद्र में बैठा है पाप राशि में, केंद्र में बैठा है पाप राशि में। तो केंद्र में जब ये पाप राशि में हुए तो यहां पे रिजल्ट ये पॉजिटिव देंगे, यहां पे रिजल्ट ये पॉजिटिव देंगे। दूसरा शुक्र बैठे हैं लग्न में, आप देखिए इस चीज को कि बृहस्पति, बृहस्पति आपका सेकंड भाव का स्वामी है, सेकंड भाव का स्वामी होकर वो केंद्र में बैठा हुआ है और आपके पाप राशि में बैठा हुआ है। तो केंद्र में पाप राशि का मतलब हुआ प्लस, तो इसका मतलब सहचार्य के अनुसार बृहस्पति आपके पॉजिटिव हो गए। अब देखते हैं राशि के अनुसार, बृहस्पति की दूसरी राशि कहां पड़ती है? बृहस्पति की दूसरी राशि पड़ती है त्रिकोण में, इनकी दूसरी राशि पड़ी त्रिकोण में। तो हमारा वो नियम लगा कि अगर दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ती हो तो शुभ, तो इसके हिसाब से भी बृहस्पति हमारे पॉजिटिव हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति हमारे इस कुंडली के अंदर पॉजिटिव ग्रह होंगे। इसी प्रकार से शुक्र का देख लेते हैं। अगर हम शुक्र देखें, शुक्र ग्रह यहां पर किसके साथ बैठे हैं? तो आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह यहां लग्न में आ गए। तो आपको मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह अगर त्रिकोण में हो या लग्न में बैठे हो या उनके स्वामी के साथ बैठे हो तो शुभ होते हैं। तो उसके अनुसार सहचार्य नियम के अनुसार शुक्र आ गए पॉजिटिव, और उसके दूसरी राशि के अनुसार शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है केंद्र में इधर। तो यहां केंद्र में जो सौम्य राशि हो तो वो सब रह जाता है, अपनी शुभता भूल जाता है। तो इसके अनुसार दूसरी राशि के अनुसार शुक्र आ गए सम, तो कुल मिला के इस कुंडली में शुक्र भी पॉजिटिव की तरह ही काम करेंगे। तो बृहस्पति भी अच्छा हुआ इस कुंडली में, शुक्र भी अच्छा हुआ, आप ये देख रहे हैं। जबकि अगर हम इसको वैसे देखें तो देखने में आपको लगेगा कि साहब एक तो केंद्र भाव का स्वामी है शुक्र, एक वायु भाव का स्वामी है, दुष्ट स्थान का स्वामी है, एक मार्ग स्थान का स्वामी है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि इनके रिजल्ट किस तरीके से मिलते हैं, इसके अनुसार शुक्र हमारा पॉजिटिव देगा। और ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह अपने साथ दोनों रिजल्ट लेके चलता है, मार्ग भी और नेगेटिव पॉजिटिव भी। तो ये बिल्कुल जाहिर बात है कि दूसरा भाव और बारहवा भाव आपका दुष्ट भाव भी कहलाते हैं, दूसरा भाव मार्ग भाव भी कहलाता है। तो इसमें शुक्र और गुरु दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, तो शुक्र और गुरु पॉजिटिव तो है ही, यानी अपनी दिशा दक्षा में ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे और साथ ही साथ थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये मार्ग भाव के स्वामी हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये दूसरे और बारहवें भाव का रिजल्ट कैसे निकालते हैं ये मालूम चल गया होगा। और आप इस तरह से काइंडली मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नई वीडियो लाऊंगा। अगली बार मैं नियम बताऊंगा आपको, दूसरे नियम कि किस तरीके से और कुंडली में ग्रह योग कारक और अकारक कैसे और निकालते हैं, वो पार्ट 3 के अंदर आपको बताऊंगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।